नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य हूं और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। कल PS1 मैंने फिल्म देखी और PS1 का जो हिंदी क्राउड था वो भी काफी अच्छा था थिएटर में, और 50% ऑक्यूपेंसी उसी शो में थी 1:35 की जो मैं सिनेपोलिस में देख रहा था, अंधेरी वेस्ट मुंबई के। अब मैं PS1 के फर्स्ट डे की जो कलेक्शंस अपडेट्स आए वो मैं बताना चाह रहा हूँ हिंदी वर्जन के सिर्फ, और बाकी भी मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी। यहाँ प्रेडिक्शन भी बताने वाला हूँ डे टू का हिंदी वर्जन का। तो ये एक्चुअली जो वीडियो है ये प्रेडिक्शन वीडियो है PS1 पुनीन सेल्वन वन का हिंदी वर्जन का डे टू का, और बाकी भी अपडेट जो कलेक्शन है वो भी बताऊंगा। इसके ऊपर आर्टिकल मैं जो रिव्यू है PS1 का वो कल टाइम हो गया जिससे नहीं लिख पाया था, आज सुबह भी मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको भी जल्दी पोस्ट करूंगा और आपको देखने को मिलेगा कम्युनिटी टैब पे मेरे। तो बात करते हैं फर्स्ट डेज का कलेक्शन कितना आया हिंदी वर्जन में, वो आया है 1.75 करोड़ के आसपास, 1.75 करोड़, जो काफी अच्छा कलेक्शन बना जा रहा है। ऑफिशियल सी जो अपडेट है ये ट्रेड की तरफ से आई है, प्रोड्यूसर ने अभी तक कोई राग अलापे नहीं है, लेकिन वो भी इसी रेंज में ही होगा कलेक्शन, सीधी बात है। और सेकेंड डे का जो प्रेडिक्शन है मेरा वो 2 से 3 करोड़ तक का है, मुझे उम्मीद है 2 से 3 करोड़ फिल्म कमाएगी। और मैं भी जब शो देख रहा था मुंबई का ही दिल्ली का ही, तो हिंदी वर्जन के शो को अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है, अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, और कई सारी जगह ऑरेंज ऑरेंज मार्क्स है। मुझे लग रहा है कल से बेहतर आज कलेक्शन होगा। सैटरडे है, फैमिली फिल्म है और फैमिली ऑडियंस जाएगी, और हमारे इंडिया की इतिहास की फिल्म है, और इतना अच्छा बड़ा सब्जेक्ट है कि आपको बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्में इसके सारे फेल नजर आएगी। तो यहाँ पे 2 से 3 करोड़ अगर आज फिल्म कमाती जो कि 110% होने वाला है, तो फिल्म का टोटल जाएगा 2 दिन के बाद हिंदी वर्जन का 3.75 करोड़ से लेकर 4.75 करोड़ तक। तो आप कितने एक्साइटेड जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा।